लीजिए हाजिर है इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट जो बताएगी कौन से वो टॉप 5 शोज हैं जिसे मिला है इस हफ्ते जनता का सबसे ज्यादा प्यार और कौन सा शो रहा इस हफ्ते इस लिस्ट से बाहर। तो चलिए बिना आपका वक्त जाया किए जल्दी से बताते हैं आपको इस हफ्ते के टॉप 5 टीवी शोज के बारे में। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो आपको बता दें कि नंबर 5 की पोजीशन पर है कलर्स टीवी का पॉपुलर शो छोटी सरदारनी। अविनाश रेखी और निर्मित कौर आलूवालिया स्टारर इस शो ने लॉकडाउन के बाद एक धमाकेदार वापसी की है और अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाब रहा है। अब बात करते हैं नंबर 4 पोजीशन वाले शो की। तो इस हफ्ते भी टॉप लिस्ट में बाजी मारते हुए जगह बनाई है जी टीवी का बेहद ही पॉपुलर शो कुंडली भाग्य ने। पिछले हफ्ते भी इस शो को जनता का भरपूर प्यार मिला था और इस बार भी ये शो टॉप 5 में जगह बनाते हुए 4th पोजीशन पर आया है। लेकिन वही इस हफ्ते पहले नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर आया है सब टीवी का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, देखा जाए तो नए एपिसोड के ऑन एयर होते ही शो की तरफ ऑडियंस एकदम खींची चली आई थी। यही वजह थी कि ये शो पिछले हफ्ते नंबर 1 पर था, लेकिन लगता है कि शो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। हालांकि 3rd पोजीशन भी अच्छी रैंक है। अब बात नंबर 2 की। तो दूसरे नंबर पर है स्टार प्लस का नया शो अनुपमा। देखा जाए तो पिछले 3 हफ्तों से ये शो ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रहा है और इसी के साथ शो में लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने लंबे अरसे बाद टीवी पर शानदार कमबैक किया है। ऑडियंस शो की घरेलू और नोकझोंक को काफी पसंद कर रही है। अब बात नंबर 1 पर आए शो की। तो आपको बता दें कि नंबर 1 के पायदान पर इस हफ्ते है अजय देवगन स्टारर फिल्म तानाजी। यहाँ पिछले हफ्ते स्टार प्लस पर पहली बार टीवी पर आई इस फिल्म ने सबसे ज्यादा अंक हासिल करते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। वेल, तो ये थी इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट। देखा जाए तो इस हफ्ते भी कई बड़े शोज जैसे कसौटी जिंदगी की 2, नागिन 4, कुमकुम भाग्य, ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ते हैं प्यार के टीआरपी के इस लिस्ट से बाहर रहे। लेकिन कोई बात नहीं, आप उदास बिल्कुल भी मत होना क्योंकि टीआरपी का ये खेल यूं ही चलता रहता है। कब कौन सा शो टॉप 5 की लिस्ट में आ जाए और कब बाहर हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई टीआरपी रिपोर्ट के साथ।